फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। तो वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम मैथ का सेशन लेकर हाजिर हूँ, चैप्टर टाइम एंड वर्क पार्ट 4। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन आप सभी मित्रों तक पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हमने टाइम एंड वर्क पार्ट 3 पढ़े थे मैथ का और आज पढ़ेंगे पार्ट 4। तो जो मित्र हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPPR एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे मित्रों, आप जो है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े। हम आप लोगों को डेली मैथ का सेशन लेके आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, शाम 7 बजे। तो आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। तो इसी आशा के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं धुआंधार सेशन मेरे प्यारे मित्रों, एक शानदार सेशन। और अपने सेशन में हम एकदम वही चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन। चैप्टर है हमारा समय एवं काम, पार्ट है हमारा 4। पार्ट है हमारा 4। इससे पहले हम 3 पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, आप सभी वॉच करिए। तो चलिए सीधे चलते हैं हम सेशन पर, लेते हैं एक शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, सीधे चलते हैं उस क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजू एवं श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट एवं 60 मिनट में क्रमशः पूरा कर लेते हैं। अगर वो साथ साथ काम करें तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा मेरे प्यारे मित्रों, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए समय देख लेते हैं। पहला कह रहा है 40 मिनट एवं 60 मिनट, तो हम इसको लिख लेंगे 40 गुणे 60। और 40 40 प्लस 60, इसको हम इस तरह से बना लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 40 गुणे 60 और 40 प्लस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 2400 और ये हो जाएगा हमारा 100। ये हमारा हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा हमारा 100। अब इसको इसको हम 0 से 0 काट देंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो हमारा क्या आ गया 24। 24 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों। 24 मिनट में 24 मिनट, 24 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अपने दोस्तों में हमारे इस सेशन को इतना शेयर कर दीजिए कि सभी दोस्तों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो 24 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। 10 से 15 सेकंड में हम क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों को बताएंगे। चलिए एक ट्रिक हम आप लोगों को और बता देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। चलिए
चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस भाई बहन को नहीं समझ में आया है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। 40 गुणे 60 और 40 प्लस 60, हमने इसका इसका गुणा कर दिया तो ये हो गया 2400/100। हमने 2 से 2 जीरो काट दिया, बचा हमारा 24 मिनट। मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। तो दोनों उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? 24 मिनट में। चलिए, एक ट्रिक ये हो गया। अब आप लोग दूसरा ट्रिक इसमें देख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। दूसरा ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम, राजू एवं श्याम। हमने माना ये राजू है और ये श्याम है, ये राजू है, ये श्याम है। और मेरे प्यारे मित्रों, 40 और 60 मिनट का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर होगा, एलसीएम लेंगे, ये इनको मान ले रहे हैं 60 मिनट में कर रहे हैं और ये मान रहे हैं 40 मिनट में। तो 60 दुना 120 और 40 तिया 120। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 2/120 बराबर 5/120। अगर हम इसको काटे तो ये आ जाएगा 1 5 5, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 मिनट। 24 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह से भी अगर हम क्वेश्चन को इसको हल करेंगे तो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आएंगे। चलिए, आप लोग इसका, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम ये सोच रहे होंगे कहां से आया, तो एलसीएम लिया है। देखिए, एलसीएम निकाल देते हैं 40 और 60 का। 40 और 60 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 20 दुना 40 और 30 दुना 60, 10 दुना 20 और 15 दुना 30, 2 5 10 और 15 यहीं पर रहने दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 5 15। चलिए, अब इसको उतार लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 दुना 4 दुना 8, 8 5 40 और 40 तिया 120। एलसीएम हमारा 120 आ गया इस क्वेश्चन का, और सीधा हमने जोड़ दिया मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है चाहे इस टाइप से लगाइए या पहले वाले टाइप से लगाइए, दोनों का क्वेश्चन आंसर एक ही आएगा मेरे प्यारे मित्रों। दो दो ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो एकदम शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा एग्जाम हॉल में, जिससे आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर ले जाए और क्वेश्चन को हल करके आए एग्जाम में, कोई क्वेश्चन छूटे ना मैथ का। तो इसलिए जो मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर उनको सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिए, अपने इस भाई के लिए सपोर्ट करिए और वीडियो को एक लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करके माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। जो मित्र हमारे नहीं नोट किए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। अमित और आशीष कह रहा है, अमित और आशीष किसी काम को अलग अलग दो क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा करते हैं, और दोनों एक साथ काम को कितने समय में पूरा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ये कह रहे हैं अमित और आशीष किसी काम को अलग अलग क्रमशः 2 घंटे, 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा करते हैं, वो दोनों एक साथ काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो चलिए, इस क्वेश्चन को सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 20 समय, यहां पर लिखेंगे समय बराबर 20 और गुणे 30। समय बराबर मेरे प्यारे मित्रों हम यहां पर लिख देंगे 20 और गुणे 30, और 20 और प्लस 30 यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे मेरे प्यारे मित्रों।
चलिए 30 × 60 ये हो गया हमारा 600, और 30 × 20 = 50 ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब ये देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 1 × 5 = 5 और 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 इसका राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 12 घंटे, इसका राइट आंसर आ गया 12 घंटे। इस क्वेश्चन का दोनों एक साथ काम को कितने समय में पूरा करेंगे, अमित और आशीष, अमित और आशीष जो है मिलके 12 घंटे में काम को पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। चलिए दूसरी ट्रिक से आप लोगों को भी बता देते हैं, 30 और 20 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो चलिए यहां पर एलसीएम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं 30 और 20 का, 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 15 × 30 और ये हो जाएगा 10 × 20 और ये हो जाएगा 15 और 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 60, 30 और 20 का एलसीएम हमारा आएगा 60, 60 आ गया। अब देखिए इसको हमने मान लिया अमित, पहला हमने मान लिया अमित हो गए, दूसरा हो गए आशीष, ए हमने मान लिया अमित, बी हमने मान लिया आशीष, कह रहा है ये 20 घंटे में करते हैं, अमित 20 घंटे में और ये 30 घंटे में, दोनों मिलके काम को कितने घंटे में करते हैं, 50 घंटे में अलग अलग करते हैं। कह रहा है अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखिए 20 × 60 एलसीएम में हमने भाग दिया 60 में, तो 3 बार गया और 30 × 60, तो यहां पर लिखेंगे अमित, अमित और प्लस आशीष, अमित और प्लस आशीष मिलकर काम को मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे 3 + 2 / 60। अब ये आ गया 5 / 60, इसको इसको हमने काट दिया तो ये हमारा आ गया 1 / 12, तो ये हो जाएगा अमित और आशीष मिलके 12 घंटे में काम को पूरा करेंगे। इस ट्रिक से भी हमारा, ये भी ट्रिक से हमारा मेरे प्यारे मित्रों, दूसरे वाले ट्रिक से भी हमारा 12 घंटे आया, और फर्स्ट ट्रिक से भी हमारा 12 घंटे आया। जो आपको अच्छा लगे एग्जाम हॉल में आप लोग वो अपनाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे वो अपनाइए, दोनों ट्रिक हमने आप लोगों को बता दिया। तो ऐसे ही हम अपने सेशन में आप लोगों को एकदम, चाहे जो चैप्टर पढ़ाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, एकदम इजी कॉन्सेप्ट ट्रिकी मैथ बताते हैं। मैं सुखराम यादव हमेशा से अपने मित्रों को बेसिक से बताने का प्रयास रखता हूँ और बताऊंगा बेसिक से ही, चाहे आप भले थोड़ा समय लगे लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो भाई बहन इसको नहीं नोट किए हैं या जो मित्र नहीं नोट किए हैं नोट कर ले, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए, अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त करे, कह रहा है राम उसे 50 दिनों में समाप्त करे, तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को कितने समय में, कितना समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो समय यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, समय बराबर हो जाएगा 30 × 50, 30 × 50 लिख लेंगे हम यहां पर, और 50 − 30 यहां पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1500, इसका इसका गुणा कर देंगे
एक ध्यान आप लोगों को इसमें देना है कि कह रहा 30 दिनों में तथा श्याम अकेले उस काम को 50 दिन में समाप्त करता है भाई, और अकेले उस काम को करने में, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसमें से घटाते हैं तो ये हमारा 20 आता है, ये हमारा 20 आता है, और इसको इसको अगर काटते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक दो आन दो, और 75 दूना 150 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया है, तो श्याम अकेले उस काम को पूरा कितने समय में करेगा, तो यहां पर लिखेंगे श्याम अकेले अकेले उस काम को 75 दिनों में पूरा करेगा, 75 दिनों में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा, आप लोग लगा लीजिए, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा, आप लोग लगा लीजिए। आशा करता हूं समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार और समझा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में तथा राम अकेले उस काम को 50 दिनों में समाप्त करे, तो श्याम द्वारा, भाई श्याम जो है 30 दिन में और राम जो है उसे 50 दिन में करता है। श्याम क्या करता है मेरे प्यारे मित्रों, वो जो है राम और श्याम किसी काम को 30 दिन में तथा राम अकेले, राम जो है 50 दिन में करता है, इसका मतलब जो है श्याम से वो 20 दिन ज्यादा लगाता है मेरे प्यारे मित्रों। श्याम जो है, नहीं सॉरी, 30 दिन में करता है, इसका मतलब 20 दिन वो कम लगाता है, तो जब कम लगाता है तो हम यहां पर कर देंगे माइनस, 50 में से 30 घटाएंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, और इसको इसको गुणा करेंगे तो 5 या 1500 हमारा आएगा, और इसको घटा देंगे तो 20 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक दो आए दो, और 75 दूना 150, 75 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया, आप लोग नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिस मित्र को नहीं समझ में आया है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं और दूसरा ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एक ट्रिक तो हमारा यह हो गया, अब दूसरा ट्रिक आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को हल करने का। चलिए नेक्स्ट ट्रिक आप लोग देखिए इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे मित्रों, 30 दिन और 50 दिनों में। तो हम मान ले रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, यदि राम और श्याम एक साथ किसी काम को 30 दिन में तथा राम अकेले उस काम को 50 दिन में। तो देखिए 30 और 50 का हम अगर मेरे प्यारे मित्रों एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 30 और 50 का एलसीएम हमारा आएगा मेरे प्यारे मित्रों 150। अब कह रहा है 30 दिन में और 50 दिन में, 30 दिन में और 50 दिन में मेरे प्यारे मित्रों राम और श्याम जो है मिलके, राम श्याम मिलके 30 दिन में करते हैं, और राम अकेले क्या करता है काम को कितने दिन में करता है 50 दिन में। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिए, अब मेरे प्यारे मित्रों 30 का अगर हम भाग देंगे 150 में तो 5 बार जाएगा, और 50 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो ये जो है राम का, इसमें से काम हम घटाएंगे तो देखिए 5 - 3/150, 5 - 3/150 ये हो जाएगा हमारा 2/150। अगर हम इसको इसको काटेंगे तो एक दो आए दो, और ये आ गया हमारा 75 दूना 150। तो 75 दिन मेरे प्यारे मित्रों अकेले श्याम को, 75 दिन श्याम को काम करने में लगेगा समय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चाहे आप पहला ट्रिक अपनाइए या फिर दूसरा ट्रिक अपनाइए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। बताइए समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों, तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी आप लोग को अच्छा लगे ट्रिक वो अपनाइए, दो ट्रिक हमने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो मित्र हमारे इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो दोस्तों, आज
आज का यह हमारा सेशन कैसा लगा आप लोगों को, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिख के भेजिए कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो इसलिए आपके कमेंट हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। और अगर आप वीडियो को पूरा वाच किए हैं या थोड़ा वाच किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, पूरा वाच करेंगे तभी सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।